लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। साल 1995 में मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम करने वाली मॉडल चेल्सी स्मिथ का निधन हो गया है। वह अमेरिका की रहने वाली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक चेल्सी को लिवर का कैंसर था। वह 45 साल की थी। उन्होंने शनिवार को अंतिम सांस ली थी। चेल्सी के निधन पर पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन ने सोशल मीडिया पर शोक जताया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने चेल्सी के निधन पर दुख जताते हुए ट्वीट किया, मुझे उनका परिपक्व व्यक्तित्व और उनकी मुस्कान बेहद पसंद थी। भगवान मेरी प्यारी दोस्त की आत्मा को शांति दें। मिस यूनिवर्स 1995 स्मिथ। सुष्मिता ने इस पोस्ट के साथ एक फोटो भी शेयर की है। इस फोटो में सुष्मिता अपने मिस यूनिवर्स का ताज स्मिथ को पहना रही हैं। सुष्मिता सेन साल 1994 में मिस यूनिवर्स रही थी। इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट की परंपरा के मुताबिक पिछले साल की मिस यूनिवर्स अपना ताज मौजूदा मिस यूनिवर्स को पहनाती हैं। स्मिथ के प्रवक्ता ने बताया कि स्मिथ साल 2017 से ही कैंसर पीड़ित थी। इस दौरान वह काफी कमजोर हो गई थी। स्मिथ साल 2016 में अपनी मम्मी के घर पेंसिल्वेनिया चली गई थी। अपने आखिरी दिनों में भी वे माँ के ही पास थी। चेल्सी स्मिथ मिस यूनिवर्स रहने के अलावा एक रेस सिंगर और टीवी होस्ट भी थी। इसके अलावा उन्होंने साल 1995 में मिस यूएसए का खिताब भी जीता था। साल 2003 में उन्होंने एक इंडिपेंडेंट फिल्म प्लेयर्स बोल में काम किया था। स्मिथ ने फिटनेस कोच कैली ब्लेयर से शादी की थी। बाद में दोनों का तलाक हो गया था।